नरेंद्र मोदी साहब को होस्ट किया जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े पैलेस में। आप ये देखें कि इस्लामिक स्टेट के अंदर नरेंद्र मोदी जी का किस शानदार तरीके से उन्होंने इस्तकबाल किया और कैसे वार्म वेलकम किया कि क्राउन प्रिंस ने खुद जाकर उनको रिसीव किया, जिसमें आप देख पाएंगे। ये देखें, यहाँ पर जो है होस्ट किया जा रहा है मोदी साहब, यहाँ पर खाना खिलाया जाएगा उनको। ये दुनिया भर की जो डिग्निटरीज हैं वो यहाँ पर आती हैं, और ये देखिए ये है वो उनका महल। दोस्तों, पाकिस्तान तो मुस्लिम दुनिया तक उस तरह अप्रोच नहीं कर सका। मैंने आपको कल भी बताया था जिस तरह भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलमान दुनिया को अप्रोच कर रहे हैं। हमारे पीपल टू पीपल संबंध हमारी साझेदारी की नींव है। मुझे खुशी है कि भारतीय समुदाय ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था और समाज में सकारात्मक योगदान दे रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए आप बोर्ड ही देख लें जरा इनकी कैसी जबरदस्त है इसके अंदर। और मुझे यकीन है, मैं आपको बता दूं, इस बोर्ड के अंदर आप देखिएगा मोदी साहब को सैर करवाई जाएगी, मुझे पता है ये होगा। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि नरेंद्र मोदी इस लेवल तक या इस जगह पे पहुंच गए हैं कि उन्होंने दे हैव दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शंस विद ब्रुनेई। और इतना बड़े मुल्क का इतना बड़ा लीडर वहां पर पहुंचा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहला विजिट ये हो रहा है, तो आपका ख्याल है कि वो सब अपने दिल के अरमान पूरे करेंगे लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को, कि देखिए हमारे मुल्क में ये मेहमान आए और हम इनको कैसे होस्ट कर रहे हैं। ये बड़ी एक ऑनर की बात है, बड़ी एक मैं समझता हूँ इज्जत की बात है। हम तो ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये सोचते हैं कि हमारे, काश हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसको भी इस तरीके से किसी भी मुल्क के अंदर, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो मेरे नहीं ख्याल को इंशाल्लाह, अगर हम अपने पास्ट को लें, अपने हम उलमा कराम को लें, तो इंशाल्लाह एक दिन हमने फतह करना ही करना हिंदुस्तान को। तो वो ये है कि वो हम ऐसे आप इसको समझ लें कि उनको चारा डाल रहे हैं कि वो आप जो मर्जी करते रहें, इन पर लेना तो हमने इंशाल्लाह हिंदुस्तान है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं है। जो ब्रुनेई के सुल्तान हैं उनको तो आपने देख ही रखा होगा, बड़े मशहूर हैं ये ब्रुनेई के सुल्तान, ये इनकी दौलत के चर्चे हैं, दुनिया का अमीर तरीन शख्स इनको कहा जाता है, इनके पास हजारों गाड़ियां हैं, डजन्स ऑफ कार्स नहीं है इनके पास हंड्रेड्स ऑफ कार्स भी नहीं है, इनके पास दुनिया की महंगी से महंगी थाउजेंड्स ऑफ कार्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जरा पैलेस देखिएगा, ये जो इनका ग्रैंड पैलेस है और ये इनकी रहायशगाह है ब्रुनेई के सुल्तान की, और ये जो रेजिडेंस है ये दुनिया भर की जो आप कह सकते हैं कि सबसे ग्रैंड पैलेस कहा जाता है वो इसको कहा जाता है, जहां पर होस्ट किया जा रहा है इंडिया के वजीर आजम को। ये देखें, यहां पर जो है होस्ट किया जा रहा है मोदी साहब, यहां पर खाना खिलाया जाएगा उनको, ये दुनिया भर की जो डिग्निटरीज हैं वो यहां पर आती हैं, और ये देखिए ये है वो उनका महल जहां पर मेहमान के तौर पर मोदी साहब को जो है वो होस्ट किया जा रहा है। इसका नाम है द इस्ताना नूरुल अमन पैलेस, लोकेटेड नियर ब्रुनेई कैपिटल, और इसमें ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुका है, और इसमें तकरीबन रूम जो हैं वो 1788 कहे जा रहे, यानी ऑलमोस्ट 1800 कमरे हैं। ये जो मैं आपको पैलेस दिखा रही हूँ इसके अंदर 1800 रूम्स कहे जा रहे हैं, 44 स्टेयर केसेस हैं, फिर इसमें जो है बोट्स हैं कोई 1800 के करीब जो है वो कही जा रही है। इस्ताना नूरुल अमन ट्रांसलेटिंग पैलेस ऑफ लाइट ऑफ फेथ इसको कहा जाता है। वाज कमीशन्ड बाय सुल्तान हसन अल बोल्किया इन 1981, कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 1.4 बिलियन डॉलर्स, और कंप्लीट हुआ था 1984 में। इसके फीचर्स अगर देखें, जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रक्चर स्पैन से मैमथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है, और इट हैज 1800 ऑलमोस्ट रूम्स इंक्लूडिंग 257 बाथरूम्स एंड बैंक्वेट हॉल्स, 5000 गेस्ट को इसके अंदर ठहराया जा सकता है। ये देखिए ये जो ये है जनाब, यहाँ पर होस्ट किया जाता है, और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है इसका डिजाइन, ये ब्लेंड ऑफ ब्रुनेई इस्लामिक कल्चर एंड
फिर इसके अंदर 22 कैरेट गोल्ड जो है हर जगह पर आपको नजर आएगा, और वो तो खैर इतना ज्यादा मैं नहीं समझती कि गोल्ड जो है वो मोदी साहब के लिए कोई नई चीज होगी, इंडिया तो गोल्ड से भरा हुआ है, वहां के जो टेम्पल्स हैं इंडिया के तो वो तो गोल्डो गोल्ड हुए सोने से लदे हुए हैं वहां के टेम्पल्स, और उनके टेम्पल्स में भी कई जगहों पर ऐसे हैं जो सोना इस्तेमाल हुआ। लेकिन जो ब्रुनाई का ये है गोल्ड के साथ साथ डायमंड्स और जो बहुत ही प्रेशियस जेम्स हैं उनका भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। फिर इसके अंदर बोटिंग का सिलसिला है कि जहां पर लोगों को सैर करवाने के लिए जो वो ले जाया जाता है, ये देखिए आप, ये देखिए आप बोट ही देख लें जरा इनकी कैसी जबरदस्त है इसके अंदर। और मुझे यकीन है मैं आपको बता दूं इस बोट के अंदर आप देखिएगा मोदी साहब को सैर करवाई जाएगी, मुझे पता है ये होगा। और इतना बड़े मुल्क का इतना बड़ा लीडर वहां पर पहुंचा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहला विजिट हो रहा है, तो आपका ख्याल है कि वो सब अपने दिल के अरमान पूरे करेंगे? लोग दोस्तों पाकिस्तान तो मुस्लिम दुनिया तक उस तरह अप्रोच नहीं कर सका, मैंने आपको कल भी बताया था जिस तरह भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमान दुनिया को अप्रोच कर रहे हैं और वो हर जगह पहुंच रहे हैं, उनके कनेक्शंस जो हैं वो ईस्ट में भी हैं वेस्ट में भी हैं, वो इजिप्ट के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं जहां आज तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शायद कभी पहुंच भी नहीं सकता, वो ब्रुनाई में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, वो मलेशिया में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, और मिडल ईस्ट GCC तो नरेंद्र मोदी ने वैसे कंकर कर ली है, बात मानने वाली जो है वो मानना पड़ेगी। ब्रुनाई जो है जहाँ पे भारतीय वज़ीर आज़म थे, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँ जो कि बड़ी पहली दफ़ा सामने आई हैं। मिसाल के तौर पे कि नरेंद्र मोदी ने अप्रिशिएट किया ब्रुनाई दारुसलाम को, क्योंकि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसकी एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग जो है और टेली कमांड स्टेशन ब्रुनाई के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो स्पेस की फील्ड में तरक्की कर पा रहा है। और एक ये आप समझ, बड़ा लंबा चौड़ा एक MOU भी साइन हुआ हुआ है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि नरेंद्र मोदी इस लेवल तक या इस जगह पे पहुंच गए हैं कि उन्होंने दे हैव दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शंस विद ब्रुनाई कि वो अपनी इसरो जो है उसकी मतलब साइंटिफिक कोऑपरेशन, इट्स ऑल अबाउट साइंटिफिक कोऑपरेशन। एंड अभी जो नेक्स्ट चीज़ नरेंद्र मोदी चाहते हैं ब्रुनाई से वो डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन है। जो डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन के हवाले से जो स्टेटमेंट्स बाहर आई हैं उनमें ब्रुनाई इज़ वेरी कॉन्शियस। मैं आपको बात बताऊँ, मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जी ब्रुनाई बड़ा कॉन्शियस है, और वो ब्रुनाई इसलिए कॉन्शियस है कि ब्रुनाई डजेंट वॉन्ट टू आई थिंक अनॉय चाइना एज वेल। लेकिन जो स्टेटमेंट ये उन्होंने कहा जी के जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट एंड अनइम्पेंडेड लॉ कॉमर्स और ये ट्रेड शेड में होनी चाहिए, जो लॉ ऑफ सी है उसकी बात मानी जानी चाहिए, लॉ ऑफ सी की, दिस इज़ वॉट इज सेट। मैं बड़ा इस पर जिसे कहते हैं ना, मैं बड़ा हैरान हुआ कि लॉ ऑफ सी की बात कर रहे हैं, और इट मीन्स के एक तरफ ये देखा जाए कि उन्होंने कोई लंबी चौड़ी इंडो पैसिफिक के हवाले से बात नहीं की, गो के नरेंद्र मोदी ने लिंक किया है उनको ब्रुनाई दारुसलाम को, उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ जो हैं वो ईस्ट एशिया समिट में हैं, हम आपके साथ आसियान में हैं, हम आपके साथ यूनाइटेड नेशंस में हैं, और हम आपको एक जिसे कहते हैं ना कि इंडो पैसिफिक के फ्रेमवर्क में भी देखते हैं। दिस इज़ वॉट नरेंद्र मोदी ने सीधी सीधी बात की है कि इंडो पैसिफिक की बात की है, और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं इस खत्ते के अंदर वो इंडो पैसिफिक की बात ज़रूर करते हैं। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त ब्रुनाई में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर उसका खुद ब्रुनाई के सुल्तान ने रेड कारपेट बिछाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इसके बाद PM मोदी इंडियन डायस्पोरा से मिले। लेकिन दोस्तों इस दौरे की सबसे बड़ी खास बात यह है कि PM मोदी दुनिया के सबसे बड़े महल स्थल इनल इनाम में ठहरे हुए हैं, जहां पर खुद ब्रुनाई के सुल्तान रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रुनाई के सुल्तान के पास टोटल 7,000 कार है और उसकी नेटवर्थ $30 बिलियन की है, और जब वो PM मोदी को डिनर पर इनवाइट करेंगे तो उसे सोने की थाली में डिनर करवाया जाएगा। वैसे भी दोस्तों इस पूरे महल में टोटल 1700 रूम है, और इस महल की जो डोम है वो 22 कैरेट गोल्ड से बनी हुई है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्राइम मिनिस्टर मोदी और ब्रुनाई के सुल्तान जब साथ में डिनर करेंगे
तो वहाँ पर सभी चीज़ें सोने से बनी हुई होगी और जो खाना बनाया जाएगा वो भी स्पेशल खाना होगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।